नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म क्या है? देखने जाए तो दुनिया में धर्म का मीनिंग राइट वे ऑफ लिविंग है, लेकिन कई बार वो ड्यूटी, वर्च्यू, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी और इवन रिलीजन के नाम से जाना जाता है। तो ये धर्म क्या है? सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? चलिए जानते हैं धर्म की डेफिनेशन हमारे परम पूज्य आत्मज्ञानी दीपक भाई से। तो धर्म को छोड़ो, धर्म को पकड़ो, धर्म से पुण्य बनता है, अधर्म से पाप बनता है। पाप का त्याग किया, पुण्य को ग्रहण किया, पुण्य का फल भुगतने के लिए संसार में आने ही पड़ता है। तो पुण्य और पाप दोनों खत्म हो जाए तो मुक्ति प्राप्त होगी। तो मुक्ति का मार्ग, इसी को ही अध्यात्म विज्ञान बोला जाता है। धर्म और अधर्म से पर अध्यात्म मार्ग। धर्म यानी अशुभ को त्याग करो, शुभ को ग्रहण करो, उसको धर्म बोला जाता है। और शुभ और अशुभ दोनों से छुटके आत्मा में आना, आत्मसन्मुख होना, उसको अध्यात्म बोला जाता है। और अध्यात्म में आत्मा के प्रति गए तो अहंकार ममता छूट जाते हैं, कर्तापन छूट जाता है और पाप और पुण्य दोनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अध्यात्म मार्ग दिया था। गीता वो अध्यात्म ज्ञान है, योग वशिष्ठ वो भी अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान में शुभ और अशुभ दोनों को जुदा निकाल करना है। शुभ में बढ़ना नहीं है, अशुभ को छोड़ना नहीं है, शुभ को ग्रहण नहीं करना और शुद्ध को ग्रहण करना है। शुभ और अशुभ दोनों अपने आप ही त्याग हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं धर्म यानी कि रिलीजन की। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि सचमुच में धर्म क्या है? चलिए समझते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। सच्चा धर्म किसे कहते हैं? सच्चा धर्म तो व्यवहार में बहुत प्रकार के धर्म है, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म, अलग अलग प्रकार। हिंदुस्तान में भी बहुत है और आउट ऑफ इंडिया भी बहुत है। पर धर्म की सादी व्याख्या करनी है तो ये व्यवहार में अब सब प्रकार के धर्म है, मगर सभी धर्म का जो एक्सट्रैक्ट ले तो इतना ही जीवन में आ गया तो सभी धर्मों का एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। मन वचन का ऐसे किसी को दुख न हो ऐसे व्यवहार करो। व्यवहार तो मन वचन का ऐसे हम करते हैं, किसी को दुख हो जाए ऐसा व्यवहार को अधर्म बोला जाता है। दुख न हो जाए ऐसे व्यवहार किया तो भीतर में धर्म है और बाहर में व्यवहार कर रहे हैं तो किसी को दुख न पहुंचे। हम सच्चे हैं या हमारा अच्छा है, किसी को दुख पहुंचा तो फिर वो धर्म नहीं बोला जाएगा। हम धर्म की क्रियाएं करते हैं, मंत्र करेंगे, जाप करेंगे, पाठ करेंगे, ये उपवास एकादशी करेंगे और उपवास के टाइम कुछ हो गया घर में तो गुस्सा से हम दूसरे को दुख दे देते हैं। तो उपवास किया वो धर्म की क्रिया है, दूसरे को दुख पहुंचा दिया क्रोध से या मोह से या मान से या लोभ से, वही अधर्म बोला जाता है। बाद में अनीति, अप्रामाणिकता, वो भी अधर्म का ही पार्ट आ जाएगा। चोरी है, झूठ है, हिंसा है, विकार है, सभी अधर्म का ही पार्ट आ जाता है। सेवा करो, किसी को सुख देते हो तो धर्म होएगा। परोपकार, दान, भक्ति, सब किसी को दुख पहुंचाया तो फिर भीतर में अधर्म हो ही जाता है। और बाहर की क्रिया वो धर्म नहीं है, वो तो व्यवहार है। धर्म की क्रियाएं हैं मगर भीतर में धर्म होना चाहिए, क्रिया अलग चीज है। धर्म और अधर्म भीतर का भाव है। किसी को दुख नहीं पहुंचाने की इच्छा है तो भीतर में धर्म हो रहा है। और दूसरे का जो भी है हमारा लाभ मिलना चाहिए, स्वार्थ बुद्धि है तो भीतर में अधर्म हो ही जाता है। तो सच्चा धर्म वही है जिसे किसी को दुख ना पहुंचे। इतनी जागृति दिन रात रहनी चाहिए प्रत्येक व्यवहार में कि मैं ये कर रहा हूं तो किसी को नुकसान तो ना हो जाए, किसी को दुख तो ना पहुंचे मेरे तरफ से। वो जागृति ही ऊंचा धर्म, उसी को ही धर्म ध्यान बोला जाता है।
उसे एक स्टेप उतरना है तो किसी को दुख हो जाए ऐसे व्यवहार हो जाएगा। तो दिल से पश्चाताप करो कि हे भगवान, जो भी इष्ट देव को मानते हैं, मेरे से इस प्रकार गलती हो गई, किसी को मेरे से इस प्रकार दुख पहुंचा गया, मैं दिल से पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। तो भी आप अधर्म में से वापस धर्म में आ गए। और दूसरा प्रकार के धर्म है तो आत्मधर्म, एक व्यवहार धर्म है, दूसरा आत्मधर्म। व्यवहार में जो अलग अलग प्रकार के पंथ है, पक्ष है, वो व्यवहार धर्म है, उसमें एक्स्ट्रा की बात है, किसी को दुख न पहुंचे ऐसे व्यवहार करो। और उससे भी ऊपर का धर्म है, उसको आत्मधर्म बोला जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया तब आत्मा आत्म जागृति में खुद रहे। और आत्मा का स्वभाव कोई भी क्रिया करना नहीं है, अच्छा करना बुरा छोड़ना, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। और आत्म धर्म में, आत्म स्वभाव में रहना, वो आत्मधर्म है। और वो आत्मज्ञानी कोई मिले तो उनकी कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, तो आत्मधर्म में हम रहे तो अल्टीमेट आत्मधर्म इज श्रेष्ठ है, उससे आगे कोई बाकी नहीं रहता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धर्म के बारे में। दोस्तों, तो हम धर्म किससे कहेंगे? माला करेंगे उसको, या शास्त्रों का स्टडी करेंगे उसको, या फिर धूप दीप जाप ताप उसको? तो क्या ये सब क्रिया से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अगले सेगमेंट में। सारी जिंदगी देव दर्शन किए, प्रवचन सुने, सत्संग किए, सामायिक प्रतिक्रमण किए, तो वो धर्म है? ये जैन भाई ऐसे लिखा है, एक जैन भाई। तो सच्ची बात तो जो धर्म की क्रिया करते हैं, धर्म की क्रिया करते करते जितना अंदर भाव होता है वहां धर्म है। धर्म की क्रिया वो धर्म नहीं, वो तो डिस्चार्ज कर्म है। और डिस्चार्ज कर्म में माला फिराते हैं मंदिर में बैठ के भगवान की मूर्ति के सामने, ये कौन आई है? पैसे का पेमेंट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? माला चालू है, मन में दूसरे विचार चालू है, तो ये माला का फल धर्म नहीं बोला जाएगा। वो माला का फल वो डिस्चार्ज कर्म है। डिस्चार्ज कर्म के टाइम ध्यान कहाँ पे है? विषय में ध्यान है, लक्ष्मी में लोभ में ध्यान है, कि किसी ने इंसल्ट किया तो साला मुझे ऐसे बोल दिया, मैं ध्यान मिलेगा तब उसको सीधा कर दूंगा। इधर माला चलती है, मन में द्वेष भाव चालू है, तो अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान है, वो धर्म ध्यान नहीं है। तो धर्म किसको बोला जाता है? दूसरे को दुख देते हो वो रौद्र ध्यान है। खुद का दुख मन में उत्पन्न होता है, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो अर्थ ध्यान है। दूसरे को, दूसरे के सुख के लिए सोचते हो, दूसरे को सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे को दुख नहीं देने के लिए सोचते हो, तभी अंदर धर्म ध्यान उत्पन्न होता है। और मैं आत्मा हूँ वो जान लिया, वो जागृति में रहो, तो शुक्ल ध्यान बोला जाता है। यानी क्रिया वो ध्यान नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म ध्यान वो धर्म है। अभाव किसी के ऊपर हो गया, तिरस्कार हो गया, तो रौद्र ध्यान बोला जाता है। यानी बाहर की क्रिया वो धर्म नहीं है। मैं दो सामायिक किया, एक प्रतिक्रमण एक घंटा बैठ के किया, वो सब क्रिया करते हो, वो भी धर्म धर्म नहीं है। क्रिया के पीछे भाव कौन सा है, वहां धर्म शुरू होता है। नहीं, कोई अभी बताते थे, कोई फ्रेंड आ गए, नहीं साइकिल वाला बीच में आ गया, तो उस टाइम पे क्रिया तो आप शांति से गाड़ी चलाते हो, पर अंदर भाव क्या आ गया, बीच में क्यों आता है, हटा दो उसको, द्वेष भाव हो गया, तो वहां अर्थ ध्यान बोला जाता है, रौद्र ध्यान बोला जाता है, तो वो धर्म है। वो अधर्म बोला जाता है। अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान को अधर्म बोला जाता है, धर्म ध्यान को धर्म बोला जाता है। अर्थ ध्यान यानी कोई भी निमित्त से अपने आप को दुख शुरू हो गया, वो अर्थ ध्यान। चिंता करते हैं, पैसे का लॉस हो गया तो मन में दुख शुरू हो जाता है, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कितनी तकलीफ, वो अर्थ ध्यान बोला जाता है। और दूसरे को दुख दे दिया, दूसरे के दोष देखते हैं, किस दूसरे के प्रति अभाव तिरस्कार करते हैं, तो रौद्र ध्यान। दूसरे को कुछ भी दुख पहुंचा दिया डायरेक्टली, तो रौद्र ध्यान बोला जाता है। और दूसरे को सुख दिया, धर्म ध्यान बोला जाता है। अथवा जो अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान हो गए उसके बहुत पश्चाताप लेते हो, तो भी धर्म ध्यान बोला जाता है। और आत्म ध्यान को शुक्ल ध्यान बोला जाता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं धर्म के बारे में। दोस्तों, दुनिया में लोग कई बार भगवान की भक्ति करना, दान करना, सेवा परोपकार करना, मेडिटेशन करना, उपवास करना, उसको ही धर्म मानते हैं। तो क्या ये सही है?
चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। धर्म क्या है? धर्म साध्य है या साधन? धर्म दो प्रकार के हैं, एक रिलेटिव धर्म, दूसरा रियल धर्म। बुरा छोड़ना, अच्छा पकड़ना, उसमें संसार में उसको धर्म बोला जाता है। बुरा छोड़ो, अच्छा पकड़ो, उसको धर्म बोला जाता है, मगर वो रिलेटिव धर्म है। और दूसरा रियल धर्म है, उसको आत्मधर्म बोला जाता है। आत्मा आत्मभाव में आ गया और आत्म जागृति में रहे और ज्ञाता दृष्टा रहे, वो आत्मधर्म है। सही बात। तो ये जो संसार में जो भी धर्म है वो साधन है। पुण्य उपार्जन होएगा और पुण्य से आपको भविष्य में ज्ञानी मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, ऐसी भावना के साथ वो धर्म करना है। और धर्म जो भी संसार में करते हैं वो धर्म की क्रिया करते हैं, वो सच्चा धर्म नहीं है। सही बात। धर्म ध्यान होना चाहिए। क्रिया के टाइम जो ध्यान होता है वहां धर्म है। जो धर्म अभी उपवास किया है और सारा दिन काम करना पड़े तो कितने मन में कषाय करते हैं, ए उपवास खोटा किया, अलग किया, नहीं करना चाहिए था, आज का दिन कितना काम निकल गया, मेरे तो तबीयत बिगड़ गई, मैं कुछ नहीं कर, कितना चिंता करेंगे, राग द्वेष करेंगे, तो धर्म नहीं बोला जाएगा। तो धर्म उपवास वो क्रिया है, क्रिया के टाइम समता रखना वहां धर्म है। कोई अपमान करे उस टाइम पे समता रखना वहां धर्म है, वो व्यवहार धर्म उसको बोला जाता है। कसाई रहित व्यवहार करो, वही सच्चा धर्म है। ये जो शब्द जो निकलते हैं, समझ लो आप किसी आदमी बैठे हैं, कोई आदमी आप सबको खाना खिला ले, खाना खाने के लिए जाने को बोलना चाहते हैं, तो आप सबको बोले है सब लोग बैठ रहे, अक्कल नहीं, जाओ खाने के तैयार है, जाओ खाने के लिए। तो वो आप जो शब्द व्यवहार करते हो व्यवहार में अधर्म कर रहे हो। जो भीतर में होता है उसको धर्म अधर्म बोला जाता है। दूसरे को दुख दे के जो जो व्यवहार होता है वहां भीतर में अधर्म हो जाता है। दूसरे को सुख दे के जो जो व्यवहार होगा वहां भीतर में धर्म होता है। जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोग खत्म करे उसको धर्म बोला जाता है, और जो बढ़ाता है उसको अधर्म बोला जाता है, जो कम कराता है उसको धर्म बोला जाता है, और जो क्षय करता है उसको ज्ञान बोला जाता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। हर एक धर्म और हर एक समाज में बड़े बड़े वक्ता लोग हैं, श्रोता की भी कमी नहीं है, फिर भी समाज का नैतिक पतन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। ये तो देखो कलयुग का टाइम है, वो बिगड़ने वाला ही है। नहीं एक बार कैरी हम घर पे लाए तो ये पिक्की कैरी मीठी निकलेगी कि धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी। भगवान महावीर चले गए, बाद में सब संसार के अधपतन चालू ही है। छठा आरा तरफ जा रहा है, पांचवा आरा अभी इसमें से ज्ञानी हो संतो सब पब्लिक को सुख शांति देने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। उसमें जितने बच गए उतना शांति पाएंगे और राग द्वेष मोह विकारों से छूटेंगे। ताकि पतन वाला रास्ता ही पे सब गिर रहे, स्लोप है, स्लीपिंग काल है, स्लीप होते 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 छठे आरे में चले जाएंगे। पर ये थोड़ा सा अंतरयुग अच्छा आया है, तो श्रीमद राजचंद्र जैसे 100 साल पहले ज्ञानी हुए, कुनकुंदाचार्य जैसे 900 साल पहले ज्ञानी हुए, और 50 दादा भगवान जैसे ज्ञानी 25 कितना साल हुए अभी 22-25 साल पहले। तो ऐसे ज्ञानी होने के वजह से थोड़ा अंतरयुग अच्छा आएगा, और महावीर भगवान का टाइम था, ऐसा टाइम हो के बहुत लोग आत्मज्ञान पाएंगे, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। बाद में जितने नहीं पाए वो धीरे धीरे उतरते जाएंगे, नैतिक पतन में ही जाएंगे। दूसरा है भ्रष्टाचार दुराचार व्यभिचार सब बढ़ते ही जा रहे हैं, और उसमें से थोड़े बचेंगे हमारे जैसे दादा भगवान का ज्ञान पाने से। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों आज हमने जाना सच्चा धर्म क्या होता है। व्यवहार में कई प्रकार के धर्म होते हैं, लेकिन मन वचन काया से किसी को किंचित मात्र दुख ना दो वही सच्चा धर्म है। और सब धर्मों से ऊपर है आत्मधर्म, जो ज्ञानी से आत्मज्ञान पाने से मिलता है। उससे बाहर व्यवहार चलता रहता है, लेकिन आत्मज्ञाता दृश्य और परमानंदी रहता है और परम सुख का अनुभव करता है। तो दोस्तों आत्मज्ञान की अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाए 1-877-505-3232 extension 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हैप्पी। जय सच्चिदानंद। Oh, I'm a